हेलो एवरीवन, बिहार स्पेशल से आज हम लोग बिहार के इतिहास को कवर करने वाले हैं। घटना चक्र से बिहार तथ्यासार है 2022 का, ये जिससे कि आपका बीपीएससी से लेकर के बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे बिहार स्पेशल से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए बिहार स्पेशल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, चाहे आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस देने जा रहे हैं, एसआई देने जा रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के इतिहास को, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण जिला है और चेचर जो कि वैशाली जिला में है, चिरांद और चेचर से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद और चेचर से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात रहते थे, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से ये पता चलता है कि मगध में व्रात रहते थे, लेकिन ऋग्वेद में पता चलता है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हिंसोंग और फरहान ने किया है। ठीक है, हिंसोंग और फरहान ने किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो कि राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से दो अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में किया है। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केशरिया स्तूप, लौरिया अरिराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल से बिहार का ये क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। ध्यान रखिएगा, कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार किया मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक स्त्री ने। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ। कहाँ पे? वैशाली में। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाती हुई सदानीरा, जो कि बिहार की वर्तमान गंडक नदी है, सदानीरा के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कोसल और विदेह की सीमा थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। अंग जो कि आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद है, अंग की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंग को वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें कि विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे।
जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो कि आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विदेह और दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। विदेह जो है वो अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। अब आगे जानते हैं हम बौद्ध संगीतियों के बारे में। चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। किस स्थान पे हुआ था, किस समय हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, कौन सा वंश चल रहा था, कौन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में, 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष था महाकश्यप, वंश था हर्यक वंश, शासक थे हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ था। विनय पिटक में सूत पिटक का संकलन हुआ था। और उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, 383 ईसा पूर्व में। इसमें अध्यक्ष थे सर्वकामी, शासक थे कालाशोक शिशुनाग वंश के। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थावर एवं महासंघिका में विभाजित हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थावर और महासांघिक में विभाजित हुआ। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, 247 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत तिस और शासक थे मौर्य वंश के अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधर्म पिटक जोड़ा गया था। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधर्म पिटक जोड़ा गया। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में नहीं हुई थी, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, शासक था कुशाण वंश का कनिष्क। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। इसके बाद जैन संगीतियाँ हुई। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, 310 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। शासक थे स्थूलभद्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक था मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। पहली जैन संगीति में जैन धर्म जो है वो दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया। 12 अंगों का संपादन हुआ। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति हुई थी गुजरात के वल्लभी में, 512 ईस्वी में। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा शमर। द्वितीय जैन संगीति में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। दूसरी जैन संगीति में अब आगे जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। शाक्य कुल के थे ये। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी ईसा पूर्व में कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। सौतेली माँ जो मौसी थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की तपस्या के बाद। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, तथागत एवं उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के तीन रत्न थे, त्रिरत्न जिन्हें कहते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चार समुदाय थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग था बौद्ध धर्म का। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रतिस्मुत्पाद था बुद्ध के उपदेशों का सार। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद आते हैं महावीर पे। महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ये ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी पावापुरी में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। पत्नी थी यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। जमाता जमाली थे। ठीक है, जमाता कौन थे, जमाली थे। 30 वर्ष में गृह त्याग किया। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य में इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ज्ञान प्राप्ति जिब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलीन जीन यानी विजेता
कैविलीन, जीन, अरहंत और निर्ग्रंथ कहलाइए। अरहंत यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म का पंच महाव्रत था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष चार व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए थे। महावीर ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष जो चार व्रत थे वो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित था। ठीक है। स्यादवाद यानी अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अब आते हैं, इसके बाद हुआ मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। जरासंघ इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी 544 से 492 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने कोसल की राजकुमारी कोसला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उससे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना, जिनको छलना भी कहते हैं, छेलना से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को वहाँ पे भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच में। इसके बाद अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों से युद्ध और संधि हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है, वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसकार की मदद से वज्जी संघ में क्या करवा दिया, फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। फिर उसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसकी? अजातशत्रु की। राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना था 460 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगृह, जो कि गिरिव्रज था, राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया ये नया नगर था, स्थानांतरित किया। उदयन के तीन पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने अल्पकाल तक शासन किया। उदयन के तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक ने अल्पकाल तक क्या किया? शासन किया। इसके बाद फिर शिशुनाग आए 412 से 344 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, काक वर्ण जिसको कहते थे, कालाशोक शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था, जिसमें कि स्थावीर और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद नंदवंश की स्थापना हुई। नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है था। एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही अच्छे से रिविज़न के तरीके से दिया हुआ है इसमें। उसे क्षुद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, हैहय, कलिंग, शुरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है।
उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घननंद था। उसी के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ था सिकंदर का। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। पुराण, बुद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल के अर्थशास्त्र, विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, आक्रमण होता है भारत में। इसके बाद सिंधु नदी को पार करके सिकंदर जो है झेलम विस्ता के तट पर तट तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे कि वितस्ता या हाई डेस्पिस का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक घननंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 321 से 298 ईसा पूर्व। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घननंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हुई संधि से चंद्रगुप्त को काबुल का एरिया, कंधार का अराकोसिया, जड्रोसिया मकरान का और हेरात का पेरीपेमिस दाई का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से विवाह भी हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं पर उपवास यानी सलेखना से अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद बिंदुसार आए 298 से 272 ईसा पूर्व तक। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है बिंदुसार को। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार जो है वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व तक। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग विजय हुआ, कलिंग को विजयी किए। उसके बाद सिंगली अनुश्रति के अनुसार निग्रोथ के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा की। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी कर मुक्त घोषित किया लुम्बिनी को, और भाग यानी एक कर को घटा करके 1/8 कर दिया। अब आते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में जानेंगे। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, पाकिस्तान का मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण हैं। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, शरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक ने 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के वृहद शिलालेख हैं धौली में, ये ओडिशा के पुरी ज़िले में स्थित है धौली। शाहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। मानसेहरा ये पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। कालसी ये वर्तमान उत्तराखंड देहरादून राज्य में स्थित है। जौगढ़ ओडिशा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में स्थित है। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में स्थित है। गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख हैं ब्रह्मगिरी, जो कि मैसूर के चित्तल दुर्ग में स्थित है।
सिद्धपुर ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। सारो मारो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नेत्तूर जो है कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू जो है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की रायचूर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों और प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ पे दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल पांड्य सत्यपुत केरलपुत एवं ताम्रपर्णी बताए गए। आगे बात करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख के बारे में। तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण होती है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। सम्राट अशोक की जो घोषणाएं हैं राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभ पर उत्कीर्ण होती है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं ये किन किन स्थानों पर स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। रमिंदई नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी प्रयागराज के निकट है जो कि पहले इलाहाबाद था। निगली सागर नेपाल के तराई में है। वैशाली सिंहशेष केवल शेर लहरित बिहार में स्थित है। अशोक की गुहा लेख के बारे में जानते हैं। तो ये दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कृष्ट लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर के खरोस्टी में है। केवल 2 अभिलेखों में ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरामेक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामेक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अरामेक अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है, जो कि 6 भिन्न स्थानों के पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम हैं कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये लेख जो है प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। ये मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। तीसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो कि बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख जो है बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण में है। प्रांतीय शासन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। तो ये 5 हैं जिनकी राजधानी है, 5 प्रांत थे। प्राची मध्य प्रदेश, राजधानी थी पाटलिपुत्र। उत्तरापद राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापद प्रांत का राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। तो ये 5 प्रांत अशोक के टाइम में हुए। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य अथवा कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में और मंडल जिलों में विभक्त थे जिन्हें कि आहार अथवा विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन की बात करें प्रांत प्रशासन के बाद, तो मेगस्थनिज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। कितने सदस्यों? 30 सदस्यों। ये मंडल 6 समितियों में विभाजित थी। कौन कौन सी समिति थी? प्रथम समिति में उद्योग शिल्पों का निरीक्षण था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना था। तृतीय समिति जनगणना। चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति में विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण। और 6वीं समिति में बिक्री कर व्यवस्था। तो ये 6 समितियां बनी थी। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे कि रक्षित कहा जाता था।
पुलिस व्यवस्था को रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जो कि जिला अधिकारी थे और एंटीनोमोई जो कि नगर आयुक्त था। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी जो कि सैन्य विभाग द्वारा निर्देशित थे। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। ठीक है, सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ये सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 600,000 पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में, मतलब लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे हैं। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था जबकि पूर्वी भाग में संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था। 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद कन्नव वंश आया। देवभूति के मंत्री वशुमित्र ने उसकी हत्या कर कन्नव वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। इसके बाद कुषाण वंश आया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। बीकर जो होते हैं प्रयोगशाला में, उसका आविष्कार नागार्जुन ने किया। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। इसके बाद गुप्त वंश आया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम वो पहला शासक था जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी में राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वाजोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। उत्तरापद के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापद अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापद अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। ठीक है, उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिशेर ने लिखा है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद आते हैं रामगुप्त पे।
इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, रामगुप्त की, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौले स्थित लौह स्तंभ लेक पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फरहान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। लगभग 14 वर्ष भारत में रहा था। ये ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसमें कि कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटकरपर, वाराहमिरी, वरु रुचि जैसे विद्वान शामिल थे। 9 रत्न, जिन्हें 9 रत्न कहते थे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि इसके शासनकाल में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, यानी हाँ। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख वत्स्य भट्टी रचित प्रशस्ति थी। ये मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुआ था, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी इसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मल्लेच्छों यानी हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। किसने? स्कंदगुप्त ने किया था। उसने सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित ये झील थी सुदर्शन झील, इसका पुनरुद्धार करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध, चीनी यात्री सुंग युन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। हेनसोंग 629 से 665 तक 16 वर्ष तक भारत में रहा था हेनसोंग। हेनसोंग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिरकुल को पराजित किया था, हूणों पर पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य जिनको कहा जाता था, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने कि मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद आते हैं पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। ये महाविहार हिरण्यप्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। पाल वंश में दूसरे थे धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी तक इनका था। इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। आगे चलकर के राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुद्ध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय में ही प्रतिहार शासक नागभट द्वितीय, जो कि वत्सराज का पुत्र था, इसने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतिचक गांव में स्थित था। सोमपुरा महाविहार, जो कि बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में था, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। वर्तमान में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल की अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल की जो अभिलेख थी उसमें परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापत स्वामी कहा है।
गुजराती कवि सौडल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। इसके बाद आते हैं देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए। देवपाल ने जावा, सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किए। देवपाल के बाद आते हैं महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसी के समय में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर इसके नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। इसके बाद आते हैं रामपाल। तो रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय में कैवर्त विद्रोह हुआ था। इसके बाद कर्नाटक वंश। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ से प्राचीन इतिहास आपके समाप्त होते हैं। आते हैं मध्यकालीन इतिहास पे। ठीक है, बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हुआ। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 के मध्य में मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मालिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? मालिक जानी को किया था, ध्यान रखिएगा। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ था। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। क्या रखा गया? तुगलकपुर। इसके बाद 1398-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणामस्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा हो गई। 1495-96 के आसपास में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। इसके बाद आते हैं शेरशाह। इनका जन्म हुआ 1472 में, कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 कहा जाता है। इनके बचपन का नाम था शेरशाह का फरीद। पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। शिक्षा इन्होंने जौनपुर में लिया था। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह को शेर खां की उपाधि कौन दिया था? बहार खां लोहानी ने दिया था। मुहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दुदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया था। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया इन्होंने। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की थी इन्होंने। 1530 में लॉर्ड मलिका, जो कि चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा थी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। इसके बाद 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की। कब की? 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर वंश की स्थापना की। इसके बाद 1543 में रायसेन विजय कर वहाँ के शासक पूरणमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो कि शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 में मारवाड़ विजय की। 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। सरकार का प्रशासन सिकदारे सिकदारन और मुनशिफे मुनशिफान द्वारा चलाया जाता था।
उसने भू राजस्व व्यवस्था के लिए मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। किसने? शेरशाह ने। उसने चांदी का रुपया चलाया था। ये सब छोटे छोटे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। शेरशाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। ये मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। फिर 1574-75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का अजीमाबाद कर दिया। उसने पटना का नाम जो है बदल करके अजीमाबाद कर दिया। फर्रुख शियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल बिहार उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। उसने 1704 में बंगाल का राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां ने नवाब बना। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां 1740 में नवाब बना। 56 तक वो अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 में सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खां का नाती था बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वो अंग्रेज़ों से हार गया। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। यहीं से बिहार का मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। अब आते हैं आधुनिक इतिहास में। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ। डचों ने पटना में 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग 1632 के विकल्प को सही मानता है, इसलिए हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। 1632 ही मानता है आयोग इसको। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 दिया गया है। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्टर डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। कब बनाया गया? 1763 में। 19 जुलाई 1763 मीर कासिम को एडमस थॉमस ने कटवा का युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में भी पराजित कर दिया। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई। 12 अगस्त 1665 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसके बाद बिहार में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे? क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760-61 में नील विद्रोह हुआ था। इसके बाद वहाबी आंदोलन हुआ था, जिसके कि प्रवर्तक थे अब्दुल वहाब। भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय इसे बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। फराजी आंदोलन हुआ, आजी शरीयतुल्ला इसके मुख्य नेता थे। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में शोरे को इकट्ठा करने और तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद शोरे की इजारेदारी अधिक थी, तो फिर नोनिया चोरी और गुप्त रूप से शोरे का व्यापार करने लगे, जिससे कि इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो कि 1770 से 1800 के बीच में फड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो ये कुछ विद्रोह हैं, जिसमें कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रमुख क्षेत्र कौन था, किस वर्ष ये विद्रोह हुआ था। 1767 से 77 तक ढाल विद्रोह हुआ था। ये प्रमुख क्षेत्र था इसका सिंगपुर। नेतृत्वकर्ता थे ढाल विद्रोह में राजा जगन्नाथ, जिन्हीं के नाम पे ये ढाल विद्रोह पड़ा था। इसके बाद 1769 से 1805 में, यानी 1769 से 1805 में चुवार विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और जगन्नाथ पातर।
1771 से 72 में चेरो विद्रोह हुआ। प्रमुख क्षेत्र था इस विद्रोह का पलामू। नेतृत्वकर्ता थे चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह। इस विद्रोह में पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित हुआ था। इसके बाद 1772 से 82 तक पहाड़िया विद्रोह हुआ। संथाल परगना प्रमुख क्षेत्र था इस विद्रोह का। नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी। इसके बाद 1789 से 1832 तक तमाड़ विद्रोह हुआ। प्रमुख क्षेत्र था तमाड़। नेतृत्वकर्ता थे भोलानाथ सहाय, विष्णु मानिकी, दुखन मुंडा और ठाकुर विश्वनाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह के बाद में तिलका विद्रोह हुआ 1784 में। प्रमुख क्षेत्र था राजमहल का क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी। इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता है, इस विद्रोह को, तिलका विद्रोह को। 1820 से 21 में हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था कोल्हान। नेतृत्वकर्ता थे पोटो सरदार। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर खास पलामू और सिंहपुर इसका प्रमुख क्षेत्र था इस विद्रोह का। नेतृत्वकर्ता थे सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्ध भगत, बिंदराई मानकी। इसके बाद 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ, जिसका प्रमुख क्षेत्र था इस विद्रोह का वीरभूम, बड़ा भूम। नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था, भूमिज विद्रोह का। इसके बाद 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल परगना में नेतृत्वकर्ता थे सिदो, कान्हू, चैन और भैरव। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। 1858 से 95 तक सरदारी लड़ाई हुई छोटा नागपुर में। कोल सरदार इसके नेतृत्वकर्ता थे। इससे मुल्की यानी मातृभूमि या मिल्की मतलब जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है, सरदारी लड़ाई को। ये विद्रोह कोलों के जमीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने का परिणाम था। इसके बाद 1874-75 में खरवार आंदोलन हुआ संथाल परगना में। नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी ये विद्रोह था। खरवार संथाल की एक उपजाति है जो कि प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी, ठीक है। आरंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य और दुर्गा की पूजा करने और अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर था। मध्य निषेध, नाच गाना पर प्रतिबंध आदि, ये सारे जो है इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इसके बाद सफाहोर आंदोलन हुआ था। सफाहोर आंदोलन भी 1774-75 में हुआ था, जिसमें कि नेतृत्वकर्ता थे लाल हेब्रम, लाल बाबा जिनको कहते थे। ये आंदोलन खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा थी। खरवार आंदोलन का ही ये एक उपधारा था, ठीक है। और इसका चारित्रिक शुद्धता पर बल था, चारित्रिक शुद्धता पर बल था सफाहोर आंदोलन का। इसके बाद 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ। दक्षिणी रांची इसका प्रमुख केंद्र था। बिरसा मुंडा नेतृत्वकर्ता थे। 1914 से 1919 तक ताना भगत आंदोलन हुआ। नेतृत्वकर्ता थे जत्रा भगत, सिद्धू भगत और अन्य। इसके बाद 1931 में हरिबाबा आंदोलन हुआ सिंहभूम पे। नेतृत्वकर्ता हरि बाबा थे, इन्हीं के नाम पे ये आंदोलन पड़ा था। दुका हो जिनका नाम था। आगे जानते हैं कोल विद्रोह के बारे में कुछ। तो ये विद्रोह जो है बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीन करके सिखों को दे दिया जाना और उसी बहनों पर किया गया अत्याचार। इस विद्रोह का तात्कालीन कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीन करके सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। दिकू द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ में मिल करके विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही ये विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। इसके बाद अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात ये विद्रोह भी दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद में छोटा नागपुर के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 13 का प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर खास पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और
कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग करके इन्हें जंगल महल व ट्रिब्यूटरी महल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई और इस पद पर प्रतिनियुक्ति प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विलिकिंसन था। कौन था? इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये भी विल्किंसन थे और ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कि कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी और आगे जनसाधारण में किसुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया जिसे कि कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया। संथाल विद्रोह। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और सरकार द्वारा भागलपुर के बर्दवान के बीच में रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। ये संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना और अबुआ राज यानी अपना शासन स्थापित करना। 30 जून 1855 को भोगना डी साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर के विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिंधो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण है सिधो कानू की बहनों फूलो और झानो। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर के बर्दवान तक हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र था। दामिनी कोह में सिधो कानू, चांद और भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी और भैरव मांझी ने और वीरभूमि में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह और विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरों को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया, जिन्हें कि पीर पैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है और इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद और भैरव मारे गए। कान्हू जो है संघर्ष में मारा गया और फिर उसके बाद चांद और भैरव भी मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिधो को पकड़ करके बरहैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह का पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और सुधार किया। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम में 37 के अंतर्गत दामिनी कोह का नाम बदल करके संथाल परगना कर दिया गया। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिनी कोह का नाम बदल करके संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें कि दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल चार जिले थे। साथ ही 1807 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून जिले यूल नियम 1856 कहते हैं लाया गया। यूल नियम कहते हैं इसको। ये कब? 1856 में लाया गया। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू करके आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संताल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो कि ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया लेकिन सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। इसके बाद बात करेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में। तो ये जो है बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुआन या फिर महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। 1899 से 1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावित किया था इस आंदोलन को। 1899 से 1900 में हुआ ये मुंडा विद्रोह जो था, इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। क्योंकि ये विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। ये जो विद्रोह था वैसे तो मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, तो लेकिन इसलिए इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है।
ये विद्रोह जो है सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था, जो कि वर्तमान का खूंटी है, तो इस जिले में उलिहातू गाँव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल और बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो कि एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1846 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिल दाऊद के नाम से हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा ने मुंडा वैष्णव ईसाई धर्म दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे कि लोगों ने बिरसा धर्म कहा और इन्हें अनुयायी बिरसाइत कहे गए। ठीक है, इनके जो अनुयायी है वो बिरसाइत कहे जाते थे। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़ करके एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना और 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन में बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 25 दिसंबर 1899 को उलगुआन की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्र में भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। शुरुआती दौर में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, लेकिन बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सरकार ने इस विद्रोह को कड़ाई से दमन भी किया। 9 जनवरी 1900 को डोमबारी से कुछ दूर सेल रेका पहाड़ी पर विद्रोहियों और अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कि कमिश्नर फायरबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। इसके बाद 3 मार्च 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव में लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर में सिंहभूम में पकड़ लिया गया। इसके बाद 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गई है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह का कारण था मुंडा खुंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, बैठ बेगारी प्रथा का प्रशरण करना, मिशनरियों की भ्रामक नीति और उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस और कानून व्यवस्था से निराशा। तत्कालीन कारण था 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले? 1902 में गुमला और वर्ष 1903 में खुंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुंट कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध और भू राजस्व की दरें निर्धारित करना। टाना अथवा ताना भगत आंदोलन, ये जो आंदोलन था इसका मतलब कि ताना या खींचना, ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींच करके दूर फेंकना और उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत और इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया है। ये जो आंदोलन है वो अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म यानी कुरुक या उराव का मूल धर्म था, इसके नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मंदिरा और कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ पे मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे 1916 में कारागार में डाल दिया गया। आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है और उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। आगे ताना भगत आंदोलन को
देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत के नेतृत्व प्रदान किए गए। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष चार सूत्री मांगे प्रस्तुत की। कौन कौन सी मांगे थी ये? उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए, भू राजस्व समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने ये जो सूत्र थे उन मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत और जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स और जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, लेकिन समय बीतने के साथ में ताना भगत आंदोलन छिड़ पड़ने लगा और ये जो इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय में ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना और वे ये समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जत्रा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। ताना भगतों ने शराब दुकानों पर धरना देकर के, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया था। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के चरखा और खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने तीन कठिया कानून को समाप्त कर दिया। कब? 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने तीन कठिया कानून को समाप्त कर दिया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। 24 मई 1918 को खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। इसके बाद 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे, देशबंधु। किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में किया था। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिन्हा सचिव बने थे किसान सभा में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में। अगला आंदोलन है बढ़िया ताल या बकाश्त आंदोलन। लगान अदा ना करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे कि बकाश्त कहते थे। यह आंदोलन करियानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था 1937 से 39 में। नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। इसके बाद 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की ना अदायगी का आंदोलन चलाया। बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। आगे बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जिले में रखा गया था। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई थी और छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी आर्चर ने गोली चलाई थी। आज़ाद दस्ते का गठन कब हुआ था? किसने कराया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति।
9 दिसंबर 1946 को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। कब? 2 जनवरी 1946 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसके साथ ही आज का सेशन और आपके बिहार के इतिहास को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बिहार स्पेशल को पूरा कवर किया जाएगा।